रास्ते पे चल रहे थे और सत्ता इसका नाम क्या रख ईद मुबारक Assalamualaikum everyone, this is Saeed Ubzain, welcome to my another vlog, hope you all are doing well, I'm also good, alhamdulillah, एक नया vlog start करता है और मेरी तरफ से सब लोगों को ईद मुबारक, उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ईद अच्छी तरीके से जा रही होगी। तो मैं काफ़ी पहले उठ गई थी और घर वालों के साथ ब्रेकफास्ट वगैरह किया, अभी मैं तैयार होने लगी हूँ ईद के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि रानी बाजी और इरम आ रहे हैं थोड़ी देर में मुझसे मिलने के लिए और फिर उनके साथ जाना है बाहर भी कुछ एक दो जगह जाना है हम लोगों ने, मतलब कुछ लोगों के घर, उज़मा दी के घर एक्चुअली जाना है हम लोगों ने। सो अभी और मेरी मेहंदी जो है इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और रात को मैंने टिप्स पे भी लगाई थी, अभी इसका डार्क नहीं हुआ है क्योंकि मैंने रात ही को लगाई थी, सुबह धो दी थी, लेट लगाई थी काफ़ी ज़्यादा और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट आई थी रात को घर। और फिर उसके बाद अभी मेरी मेहंदी हो गई है ऐसी कलर की और पैरों की मेहंदी भी जो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गई है, तो अभी मैं करती हूँ चेंज। बच्चों ने भी सुबह से इतना दिमाग खाया है ना पटाखे फटा के, लेकिन मुझे भी बड़ा शौक है पटाखे वगैरह फटाने का, तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद में, बाद में मत फटाएंगे, फिलहाल के लिए मैं करती हूँ चेंज, अपने ईद के कपड़े पहनती हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और अपने घर वालों से भी आपको मिलाती हूँ। सो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार और रानी बाजी और इरम भी आ गए हैं, मतलब हम लोगों ने जाना है उज़मा दी के पास। और बस मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ, मैं आप लोगों को पहले अपना आउटफिट दिखाती हूँ, अभी मैं ऐसे दिखाती हूँ बाहर निकल के, ऐसे अच्छे तरीके से आउटफिट नहीं दिख रहा है, बाहर निकल के मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाऊंगी, तब तक मैं आप लोगों को रानी बाजी और इरम से मिलाती हूँ। यार हम लोग कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, तो ये बस रुको आप, हमेशा मेरे व्लॉग में आके तुम लोग मेरा व्लॉग हाईजैक करते हो, तुम और इरम। तो गाइज आज अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और हमारी हुफ्जा जी के साथ मज़े भी बड़े कर रहे होंगे जो कि हमें दिखाई दे रहा है। तो बट आज मैं करती हूँ इनका ये हमेशा ये बंदी और ये बंदी ऐसी मेरा फ़ोन उठा के लेके जाते हैं और करते हैं, बट आज मेरे फ़ोन से हुफ्जा करेगी और मैं हुफ्जा के फ़ोन से करूँगी, बट हमारा यही चलता रहेगा, स्विच हो जाएगा। तो मैंने सोचा आज मैं भी इनका हाईजैक कर ही लूँ। वैसे हुफ्जा बाय द वे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अच्छा क्या यूज़ किया है तुमने आज चेहरे पर, ये क्या हुआ है, ये रूहानी वो आ गया, ग्लो आ गया। नहीं सीरियसली आप लोग देखो, मतलब इसकी स्किन आज कितनी अच्छी लग रही है, मतलब अभी लोग कुछ लोग बोलेंगे मेकअप है, मेकअप भी है मगर ग्लो भी कर रही हूँ, माशाल्लाह यार सीरियसली आज मुझे पहली बार लग रहा है कि हाँ इसको मेकअप करना आता है शायद से सही से, खुट यार मैं जहाँ मैंने मेरे बिना व्लॉग अधूरा ही रहता है हमेशा, रुखसा का खास कर तो मेरे बिना बिल्कुल ही अधूरा रहता है, ये बंदी वो हो गई है, मतलब वो कुछ पहनी की देवी बन गई है। चलो हटो, ईद मुबारक, ठीक है हम तीनों एक साथ बोलते हैं, तो चलो हम तीनों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, उम्मीद करते हैं आपकी ईद जो अच्छी तरीके से जा रही है, हमारी तो अभी अभी तक अच्छी जाएगी, नहीं हुफ्जा अच्छी लग रही है बहुत ज्यादा, एक मिनट यार इरम भी बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही है और आप सब मुझे तो जानते हैं, मैं कुछ ज्यादा बताऊं, बैंगन बने हुए नहीं, वैसे हम तीनों ने अलग अलग कलर पहना है, ये तुम्हारा ये पर्पल और ये पिंक, वाओ यार क्या अच्छा कॉम्बिनेशन है। अभी हम सब लोग यहाँ पर हैं, तुफैल भी आया हुआ है जो कि आकिब के साथ बैठा हुआ है और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और उज़्मा हमारा वेट कर रही है, तो हमें जाना है वहाँ पे, हमें यार दूध कहवा वगैरह कुछ तो पीना है उसके घर पे, तुम जा रहे हो उज़्मा भी वेट कर रही है, तो तब तक आप हमारे साथ बने रहे हो आज पूरा दिन, फिलहाल चाय लेने के लिए अंदर जाती हूँ, मुझे बुला रहे हैं अंदर, ठीक है क्योंकि घर का काम भी करना होता है ना, घर की सारी जरूरी है, आके आके चाय ले, अच्छा ठीक है वहाँ पीछे से वो भी आ गया चाय लेके, चलो फिर और उसके साथ तो फाइल भी है, चलो फिर ठीक है आप लोगों को मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, ईद मुबारक, ईदी दो मेरी, बोलो आप ईदी दे दो, बड़ी छोटी दीदी जिसके अंदर बहुत ज्यादा तारीफ हुई है कि छोटी दीदी चमक रही है आज माशाल्लाह से, अच्छी लग रही है, इरम बोल रही थी, इरम का भी नैनो प्लास देखना ना कैसा किया है उसने, चमक, और ये रहे मम्मा, ईद मुबारक मम्मा, ईदी तो ठीक है यार कोई बात नहीं, आप हमेशा यही करते, धोखा हमेशा देते हैं मुझे, आपने भी मत मुझे दी दी, ना 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 रहने दो छोड़ो, और मम्मा सबको ईद मुबारक बोलो, मांगो सबको, आप सबकी ईद अच्छे से जा रही होगी है ना, सबकी ईद अच्छे से जा रही होगी, छोड़ दी मुझे भी दे थोड़ा सा कहवा, ईद नहीं दे सकती हूँ, ईद ही दे सकती हूँ, मुझे नहीं पता है बट मुझे आज इरम और रानी बाजी बोल रहे हैं कि तेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैंने कलर कैरेक्टर भी लगाया था,
स्नेल मेसन भी लगाया था और ऑयल भी लगाया था, छोड़ दी जो तेरा होता है ना मेकअप से पहले, इसीलिए थोड़ा सा चमक रहा है ना। जरा तुझे मैंने क्या बोला था? क्या ये बोला नहीं था तूने? अंदर चाय दी खुद, इधर उठ के आ गई। मैं चाय लेने के लिए आई थी असल में, थोड़ी बहुत बदतमीज हूँ, क्या कर सकती हूँ। ड्राई फ्रूट सारे बैठना होता है ना। चलो अभी चलते हम लोग। रानी बाजी और चाय पी रहे जनता के सामने, तू ईदी देगा सबको ईदी है ना रानी बाजी? हाँ देता है कभी ईदी ईदी मांगो। हाँ चलो ईदी दो हम सबको, सब बच्चे आए ईदी दे दो। चलो दिवाली को सबसे पहले एम पे जी पे पेटीएम कुछ भी है वो करो, फोन पे भी है आप भी दे दो। आपने दी इरम को ईदी? आप आओगे ना अभी घर में, आपको भी दे दो। तुझे दी ईदी? मुझे नहीं अभी दी, मुझे पहले तुझसे ही लेनी है ईदी। चल ईदी दे दो, चल तुम भी दे दो। चलो तो अभी मैं जा रही हूँ पीछे, छोटी दीदी थोड़ी सी आगे, वहां मैं निकलती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बर्दी, शी इज सिक, शी इज नॉट फीलिंग वेल, छोड़ दी, बाय। इसका नाम क्या है? सहरा। मेरी एक दोस्त है उसकी नए नेल्स हैं असल में बड़े बड़े ना। सहरा छोटी है लेकिन तेरे जैसी है। सहरा इधर आ, ये कैसे ये भी खेलती है शमशेर की तरह। तेरे पहलू में रहलू मैं खुद को पागल, कह दूं गम में खुशियां रहलू सारा दिन। तो मैं चल रहे थे और हमसा का फैन मोमेंट हो चुका है, गाड़ी में से देख लिया था इन छोटी छोटी लड़कियों ने। तो हम जा रहे हैं अपनी परी को लेने के लिए। तो अब हम रुके हुए थे एंड हमसा का यहाँ पे फैन मोमेंट था, कुछ हमसा पिक्चर्स क्लिक करने लग गई थी अपने कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे फैंस के साथ। परी के पास आए हुए हम लोग। तो परी हाय, ईद मुबारक बोलो सबको। कैसे आप लोग? मैं जो सॉरी परी हूँ। इरम तू कितना खाएगी सुबह से? तो कितना खाएगी भाई सुबह? जल्दी करो, खत्म, मुझे अपना व्लॉग नहीं बोलेगी। आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे पता है कि मैं व्लॉग काफी ज्यादा लेट चढ़ा रही हूँ। लाइक ईद को 3 दिन हो गए खत्म हुए और मैं आज चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं ये तभी ठीक नहीं थी, मैं काफी ज्यादा बीमार हो गई थी, सो आई वाज नॉट एबल टू एडिट द व्लॉग। बट आज मैंने सोचा कि बैठी हुई थी और ठीक भी महसूस करती हूँ, तो मैंने एडिट कर दिया व्लॉग और इसको मैं आज अपलोड कर दूंगी। उसके साथ साथ मेरी तरफ से सब लोगों को फिर से ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की ईद जो अच्छी तरीके से गई होगी। और 3 दिन के बाद भी मेरी मेहंदी कलर ऐसा ही है, अभी भी वैसा ही है। और पाँव की भी मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये रही मेरे पाँव की मेहंदी जो कि यहाँ से ख़राब कर दी थी, बट अच्छी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। ईद वाले दिन हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, हमने शाम को पटाखे भी फटाए और बड़ा मज़ा आया। रात को हम लोग निकले हुए थे बाहर, हम लोग ने पटाखे वगैरह भी फटाए थे, बड़ा मज़ा आया। और प्लीज़ इस बिना शीशे वाली अलमीरा को इग्नोर करना, मैंने इसमें अभी तक शीशा नहीं लगवाया। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पर एंड, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। ओके सो गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार, बस कर दे भाई, बस हो गया पी तेरा। गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं, सो गाइस एक मिनट चुप रहो ना। हेलो, आपका आपका व्लॉग हो जाता है ना खुद का, एक मिनट चुप रहो।